ये है हिंद महासागर, ये है प्रशांत महासागर। तो इंडो और पैसिफिक इलाके में चीन को कंट्रोल करने के लिए या चीन का मुकाबला करने के लिए एक संगठन बनाई गई है, उसका नाम है ऑकस, AUKUS। तो ऑकस में ऑस्ट्रेलिया है और जापान की एंट्री होने वाली है। साथ ही साथ इस ऑकस संगठन में आपका USA और ब्रिटेन भी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑकस संगठन के तहत ये चीन का मुकाबला किस क्षेत्र में होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में, हाइपरसोनिक और साइबर तकनीक में एक साथ काम करेंगे। और साथ ही साथ ऑकस संगठन के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन भी दिया जाएगा। ऑकस का जो गठन हुआ है वो सितंबर 2021 में हुआ है। यह एक रक्षा समूह है जो इंडो पैसिफिक इलाके पर केंद्रित है और यहाँ पे चीन की जो आक्रामकता है इंडो और पैसिफिक में, जो यहाँ पे चीन की आक्रामकता है इसे कम करना या इसे कंट्रोल करने के लिए। देखिए एक और संगठन बनाया गया है क्वाड। क्वाड क्वाड में क्या है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है। तो क्वाड अलग संगठन है। क्वाड क्या है कि बहुपक्षीय बातचीत होती है, जबकि ऑकस क्या है, मिलिट्री अलायंस है। ऑकस एक मिलिट्री अलायंस है। देखिए यहाँ पे भारत क्या है कि भारत ऑकस में शामिल नहीं है, भारत इस मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं है, भारत क्वाड में है जहाँ बहुपक्षीय बातचीत होती है। भारत कभी भी अपने संबंध रूस के साथ, ईरान के साथ खराब नहीं करेगा, खासकर अमेरिका के लिए।